स्वास्थ्य मंत्री के दौरे में भी अस्पताल बंद, 3 सस्पेंड। बरेली जिले में बुखार से हुई 120 मौतों के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह मंगलवार को वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल के साथ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और अफसरों के साथ बैठक की। अफसरों के साथ बैठक के बाद मंत्रियों ने जगतपुर में अर्बन हेल्थ सेंटर का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री के निरीक्षण के दौरान यह अस्पताल बंद मिला, साथ ही अस्पताल के आसपास गंदगी का अंबार देख स्वास्थ्य मंत्री आगबबूला हो गए और उन्होंने नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक और अर्बन हेल्थ सेंटर के प्रभारी को सस्पेंड कर दिया। मंत्री ने लापरवाही बरतने पर जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर पी के जैन को भी निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल के CMIS डॉक्टर के एस गुप्ता और जिला महिला अस्पताल की CMIS डॉक्टर साधना सक्सेना को 24 घंटे में व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर सुधार नहीं होता है तो दोनों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला अस्पताल का किया दौरा। स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री ने जिला अस्पताल का दौरा किया और मरीजों से बातचीत भी की। मरीजों ने बातचीत के दौरान अस्पताल के स्टाफ की शिकायत भी की। जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चा वार्ड के बाहर गंदगी देखकर CMIS को फटकार भी लगाई। साथ ही उन्होंने जिला महिला अस्पताल में 44 नए बेड लगाने के निर्देश भी दिए। लगातार हो रही मौत, जिले में पिछले 15 दिनों में बुखार से 120 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही मौत के बाद प्रदेश सरकार ने जमीनी हकीकत जानने के लिए स्वास्थ्य मंत्री को बरेली भेजा था। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मौत के आंकड़े जानने Yeah.